सबको 29 अप्रैल की शुरुआत में स्वागत है। 29 अप्रैल में परमपिता परमात्मा ने वेट घटाने की बात करी है। अब वेट फिजिकल वेट की बात नहीं, भगवान कभी फिजिकल वेट की बात नहीं करेंगे, जो कि घट जाता है एक्चुअली अगर आपके मेंटल वेट घट जाए तो। घटना मतलब कि आप कमजोर नहीं हो जाते हो, लेकिन आप अपने नॉर्मल हार्मोनल जो बैलेंस के द्वारा अपने ठीक वेट पे आ जाते हो फिजिकली। तो आज का जो वरदान है वो मेंटल वेट के बारे में है। तो मेंटल वेट या उसका बोझ जब हमारा कम हो जाता है तो हम हल्का फील करते हैं माइंड में, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में हल्का फील करते हैं, और साथ ही साथ हम एस्ट्रल ट्रैवल कहें या हम कहें देह से परे ट्रैवल कहें या अव्यक्त फरिश्ता बन करके रूहानी यात्रा कहें या आध्यात्मिक यात्रा कहें या हम कहें बेहद की यात्रा कहें, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो देखिए आज परमात्मा के अपने ही शब्दों में रूहानी एक्सरसाइज द्वारा, फिजिकल नहीं, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट ब्रैकेट में है बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। अभी एक्सरसाइज करनी क्या है उसको हम समझेंगे। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, मैं आत्मा बिना इस फिजिकल आकार के, तो निराकारी कहते भी है ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, तो किसकी बात हो रही है, ब्रेन की बात नहीं हो रही है, बॉडी की किसी भी अंग की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हम आत्माएं ना कुछ लेके आए थे ना हम आत्माएं कुछ लेके जाएंगे वापस। हाँ, लेके जाएंगे क्या, सूक्ष्म में मीन सटली एनर्जी फॉर्म में मन बुद्धि संस्कार। तो परमात्मा कहते हैं निराकारी एक्सरसाइज करो। तीन दुनिया है, निराकारी सबसे ऊपर दुनिया, फिर है फरिश्तों की दुनिया। तो निराकारी दुनिया कौन सी होगी, जो इस दुनिया से एक स्टेप ऊपर के भी ऊपर, तो वह है निराकारी दुनिया, लाल प्रकाश की दुनिया, जिसको हम ब्रह्मलोक सिक्स एलिमेंट भी कहते हैं, जहां से महात्माएं नीचे उतरी और परमात्मा वहां रहते हैं। उसके बाद में आता है सेकेंड लेवल जो है फरिश्तों की दुनिया, एक व्हाइट बैंड है एनर्जी का, व्हाइट लाइट का बैंड एनर्जी का, उसके नीचे ये फिजिकल यूनिवर्स आता है, ये त्रिलोक हो गए। तो परमात्मा कहते हैं निराकारी अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता नीचे उतरो, तो अपने ऑरा बॉडी में उतर जाओ। पहले हम बिंदु प्रकाश थे, फिर जब नीचे आए थोड़ा सा तो हमारा ऑरा बॉडी डेवलप होगी, उससे नीचे आए अभी अभी साकारी कर्म योगी, फिर फिजिकल बॉडी में हम आ गए। सो कितने लेवल्स हो गए, 3 लेवल्स हो गए। अभी अभी विश्व सेवाधारी, ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का बोझ जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब हमारे थॉट्स व्यर्थ में आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहां से होगा, किसने किया, क्यों किया, तो परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड में इस दुनिया की बातों से परे चले जाओ, ट्रैवल करो उन दुनिया में, ट्रैवल करो उन दुनिया के संकल्पों के बारे में सोचो, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ संकल्पों से बोझ हट जाएगा। जब बोझ मतलब ब्रैकेट में वेट समाप्त हो, किसका, मानसिक वेट, माशुक समान डबल लाइट बनो, गुरु ग्रंथ साहिब में उनको माशुक कहा जाता है और हमें आशिक कहा गया है। तो जब वो हमारे क्या है, माशुक हो गए और हम उनके आशिक हो गए, तो अगर माशुक हो हल्का और आशिक हो मोटा तो कैसा होगा। तो इसी तरीके से ये मन की बात आई, तो जब माशुक भी हल्का है तो हम भी आशिक उनके कैसे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए। वो कैसे हल्के रहते हैं, उनको पृथ्वी और पृथ्वी पे चलने वाले ड्रामा से डिटैचमेंट है, लेकिन हमें क्या है, अटैचमेंट है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ये 3 जगहों पर ट्रैवल करो ताकि तुम्हारा भी डिटैचमेंट होना शुरू हो जाए। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का बोझ जो बोझ है वह समाप्त हो जाएगा। जब बोझ मतलब ब्रैकेट में वेट समाप्त हो, माशुक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी, है कि नहीं है, राइट। यदि माशुक हल्का हो और आशिक भारी हो, आप विजुलाइज करिएगा जरा फिजिकल टर्म्स में भी, फिर आप रिलेट करिएगा मानसिक मतलब थॉट के टर्म्स में हो, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बनो समीप बनो। रूहानी माशुक हम आशिकों को, आत्माओं को, प्रकाश बिंदियों को कहते हैं कि समान बनो, इक्वल बनो उनके जैसे, थॉट्स में, कैरेक्टर में, वाइब्रेशन में, समीप बनो। समीप कब होते हैं, जब हमारे संस्कार सेम होते हैं। तो ये सब कुछ कब पॉसिबल पाएगा, जब आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के तीनों जगतों का, जो जगत है 3 जगत, उनका आप ट्रैवल सीखेंगे, एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, अशरीरी भव, निराकार भव,
ये सारे वरदान जो परमात्मा हमें ब्रह्म कुमारी से सिखाते हैं उसको आप आकर जब सीखेंगे तभी पॉसिबल होगा। अपने ही निकट ब्रह्म कुमारी सेंटर में जाकर के इस ज्ञान को अर्जन करें और अर्जुन बने। ओम शांति इसके साथ।